कोरबा जिला के वनांचल क्षेत्रों में हाथियों के बाद अब भालुओं का भी आतंक बढ़ गया है। एक बार फिर यहां भालू के हमले का मामला सामने आया है। करतला थाना क्षेत्र के कोटमेर जंगल में भालू के हमले से दो ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल में भर्ती श्यामलाल यादव और अंचल राम कंवर कोटमेर गांव के निवासी हैं। दोनों गांव के पास लगे जंगल में मशरूम की तलाश में गए हुए थे। इस दौरान एक भालू ने पहले श्यामलाल पर हमला किया। भालू का हमला देख अंचल राम अपने साथी की जान बचाने भालू से भिड़ गया, जिसके बाद श्यामलाल भालू से बचकर भागा। फिर दोनों ने मिलकर जैसे तैसे भालू को वहां से भगाया। इस बीच दोनों के हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आ गई, जिसके बाद घायल हालत में दोनों जंगल में ही पड़े रहे। इस दौरान जंगल में कुछ ग्रामीणों द्वारा दोनों को घायल अवस्था में देखा और तत्काल 112 को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद करीब 5 किलोमीटर जंगल के अंदर टीम पहुंची, लेकिन 112 के पास दोनों घायलों को ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। तब स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर लकड़ी और पत्तों का मचान तैयार किया और उस पर श्यामलाल और अंचल राम को पैदल सफर कर करतला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।